हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और टाइम अभी 9 से ऊपर हो रहा है। मैं मेट के इंतजार में बैठी थी, नहाई भी नहीं हूँ। और हस्बैंड ऑफिस चले गए, मयंक भी स्कूल चला गया। और वो केवल कल के लिए बोली थी कि कल शाम में नहीं आएंगे, तो कल तो मैं बर्तन वगैरह धो ली थी। और आज उसी के इंतजार में अभी तक बैठी थी, अभी तक वो आई नहीं। अगर पता होता है तो काम कर लेते हैं। अब पता नहीं सारा काम करते करते मुझे कितना टाइम बचेगा, क्योंकि अभी तक तो मैं इंतजार ही कर रही थी। अभी 9 से ऊपर 9:30 होने वाला होगा, मैं घड़ी नहीं देखी हूँ, लेकिन मैं इंतजार में बैठे बैठे अपना जो मतलब डस्टिंग का होता है थोड़ा बहुत इधर उधर का, वो सब मैं कर ली। और फोन लगा रही हूँ तो फोन नहीं, स्विच ऑफ बता रहा है। उसका यही रहता है, जब छुट्टी मारती है बिना बताए तो फोन को स्विच ऑफ कर देती है। ये बात तो सही नहीं होता ना, बता कर जाने से सही रहता है। बता देती है तो हम कुछ नहीं बोलते। कल भी बोली कि भाभी हम शाम में नहीं आएंगे। हम बोले कोई बात नहीं, पर्व है, रक्षाबंधन है, तो सबको अपने घर में थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने का चाहिए। तो मैं सोची कि चलो कोई नहीं, वो भी कर लेगी। लेकिन आज के बारे में अगर बता देती कि कल सुबह भी नहीं आऊंगी, तो मैं अपना काम कर लेती सुबह से। इस तरीके से बैठे रहो इंतजार में, फिर काम में लगो तो बच जाता है 12:00। तो दे चलिए आपको टाइम दिखाते हैं कितना टाइम हो गया है। और देखिए, मैं बोल रही थी 9 से ऊपर, यहाँ 10 बजने वाला है। 10 बजने में 5 मिनट दे दी है। अब बताइए कि अब अभी से मैं काम स्टार्ट करूंगी तो कितना बजे काम मेरा खत्म होगा? सारा काम ही अभी पड़ा हुआ है, किचन का बर्तन वगैरह और मतलब झाड़ू पोछा जो भी है मैं लगूंगी, तो अभी कितना टाइम हो जाएगा मेरा? तो मैं आप लोगों से बात नहीं करती हूँ और फटाफट काम निपटाती हूँ, क्योंकि अब तो वो आएगी नहीं, 10 बज गया। तो मैं अपने कामों के शुरुआत किचन के बर्तन धोने से ही करूँगी, क्योंकि किचन में बर्तन धुल जाता है, गैस स्लेप ये सब साफ हो जाता है, तो लगता है मुझे कि जैसे आधा काम हो गया। और गैस तरफ का स्लेप मैं उसके आने से पहले ही साफ कर देती हूँ। बाकी इधर थोड़ा आधा दूर का स्लेप रह जाता है, क्योंकि बर्तन धोने से पानी वानी गिरता है ना, तो मैं सोचती हूँ वो करके जाएगी, उसके बाद इधर साफ कर लूँगी। तो देखिए, फिर बड़ा बेटा आ गया कि मम्मी नाश्ता दे दो, तो उसका भी नाश्ता निकाल के दे दी। और नाश्ते में आज सत्तू के पराठा बनाई थी, तो वही हस्बैंड लेकर गए हैं, मयंक भी लेकर गया है, और वही हम लोग का भी नाश्ता है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये सब काम कर लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज मेरा ये क्लीनिंग ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह रक्षाबंधन के अगले दिन का ब्लॉग है, और क्या करें टाइम नहीं मिल पा रहा, और फिर थोड़ा मेरा सिर दर्द भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मेरा ब्लॉग रेगुलर नहीं जा रहा है। मैं हर 2 दिन पर यही बात अपने ब्लॉग में बोलती हूँ, कर नहीं पाती है एडिट, काम भी हो जा रहा है। कल भी मतलब कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह कुछ भी एडिट नहीं कर पाई, दिन भर काम में ही लगी रह गई। तो आज मैं अभी इसीलिए दिन में सुबह सुबह इसको मतलब वॉइस ओवर करके अभी सोच रही हूँ कि कम से कम 12-1 बजे तक ये चला जाए ब्लॉग, तो सही है। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे बैठ के, और पहले मैं सोची कि इसका काम ही कर देती हूँ ब्लॉग का, नहीं तो फिर आज भी छूट जाएगा। और आज भी मेरा सिर दर्द दे रहा था, दवाई वगैरह 4 बजे सुबह में ही उठकर इतना ज़ोर ज़ोर से सिर दर्द होने लगा कि दवाई खाना पड़ा। फिर 6 बजे उठकर मैं नाश्ता वास्ता बनाई हूँ, तो सब लोग लेकर खा कर गए हैं, और नाश्ता सबका हो गया है, बड़ा लड़का का भी। और मैं अभी सोची कि पहले आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, मतलब एडिट कर देती हूँ, तो आप लोगों के साथ फिर बाद में शेयर कर दूँगी। तो मैं बैठकर वॉइस ओवर करने लगी, और देखिए मेरा बर्तन धुल गया। बर्तन मैं थोड़ा ही धोई, थोड़ा रहने देखी, आएगी शाम में तो ज़रूर आएगी, इतना तो छुट्टी मारेगी नहीं। और सुबह चाय पत्ती निकाली थी, तो मैं सोची अभी डब्बा में रख देती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि साफ़ करने के बाद गिर जाता है, तो फिर डबल मेहनत लगता है। ऐसे मैं साफ़ कर ही रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फैल भी जाएगा तो वो साथ साथ में साफ हो जाएगा, इसीलिए मैं डब्बा में करके रख दी। और फिर दूसरे तरफ भी स्लेप है, सभी को अच्छे से साफ करके, और अभी
मतलब मेरा मन में अब लग रहा है बेचैनी कि कब काम खत्म होगा, कब मेरा मतलब इस तरह से लेट हो जाए ना, हो जाता है ना, तो अजीब सा मन में बेचैनी लगने लगता है। और किचन का तो ये सब हो गया, फिर मेरा यहाँ कपड़ा भी धोना है, तो मैं सोची कि क्यों ना मशीन लगा देती हूँ, और मशीन जब तक मतलब कपड़ा भी धुल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो इसीलिए पहले मैं किचन से छुटकारा पाते ही इधर मशीन में कपड़ा डाल दी, अब कपड़ा धुलते रहेगा और मैं इधर अपना झाड़ू पोछा जो भी क्लीनिंग का काम है वो करते रहूँगी, तो मेरा दोनों काम साथ साथ में हो जाएगा। और अभी मौसम भी मतलब कुछ सही नहीं है, कभी धूप निकल रहा है, कभी बारिश हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। और फिर मच्छरदानी वगैरह तो मैं सुबह ही खोल ली थी, और बेड भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रखा है, मतलब बेड को ठीक नहीं की थी, मच्छरदानी खोल के फोल्ड कर दी थी, और बाकी एक चादर ऐसे ही था और बेड मतलब ऐसे ही था। तो अभी सबको मतलब ठीक ठाक कर लूँगी। ठीक कर ली तो यहाँ पर ऊपर का अनवारी पर मयंक अपना खिलौना वगैरह भी रख देता है, तो मैं उसको उसके कार्टून में रख दी खिलौना को, और थोड़ा सा फिर नीचे की अनवारी भी ठीक करने लगी। अपने काम कीजिए ना तो यही होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर भी आदमी काम करते करते करने लग जाता है, और मेड काम करती है तो उसको क्या लेना देना, उसको तो जितना काम है उतना ही करेगी, झाड़ू भी मतलब इस तरीके से बाहर बाहर ही लगा देगी। और अपने देखिए काम करने आए तो नीचे का अनवारी मुझे थोड़ा सा उधरा हुआ लगा तो उसको भी ठीक कर ली, बेड के नीचे झाड़ू लगा लिए, सब सब हटा हटा कर झाड़ू लगा आऊंगी, क्योंकि हम लोग अपना काम करते हैं तो लगता है कि सब थोड़ा सा साफ सुथरा अच्छे से रहे तो अच्छा है। और फिर मतलब अपना हाथ से काम करने से साफ सुथरा घर ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि हर कोने को हम लोग अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन वही है ना कि मजबूरी में आदमी को किसी की हेल्प लेना ही पड़ता है। मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही खराब रहता है इसलिए मैं काम वाली को रखती हूँ, नहीं तो मुझे तो मतलब पसंद नहीं आता है उतना काम किसी का किया हुआ, मुझे खुद का किया हुआ ज़्यादा पसंद आता है। और फिर बेटा का यह रूम है तो उसमें तो मैं ब्लॉग कम ही बनाती हूँ, तो उसमें मैं देखिए झाड़ू लगा ली, अभी किचन में झाड़ू लगा लूँगी और फिर पूरे घर में भी झाड़ू लगा लूँगी। तो इसी तरह से मेरा काम हो रहा है अभी सुबह का, सुबह क्या है, सुबह से तो आफ्टरनून होने वाला है, और मेरा मशीन भी चल रहा है और बारिश भी हो रहा है। कपड़ा को भी पता नहीं घर में ही डालना पड़ेगा क्या, कुछ कह नहीं सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर अभी बाहर दरवाजे पे झाड़ू लगा लूँगी, टीवी रूम बालकनी सारा जगह झाड़ू लग जाएगा। उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि किचन में सिंक वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, तो अभी पहले तो झाड़ू सब जगह लगा लेती हूँ, आगे देखती हूँ कि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है ना, और टाइम ज़्यादा होता है तो गर्मी भी लगता है, बारिश होने से ये नहीं कि गर्मी नहीं लग रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगता है। और मतलब लेट तक आदत नहीं है ना काम करने का, सुबह सुबह ही सारा काम निपटा लेती हूँ, तो लेट अगर काम में हो जाता है ना तो फिर मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा जैसा होने लगता है और अजीब सा मन लगने लगता है, तो इसीलिए देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो
शीशे काला एनक पाया काला चंडीगढ़ तेरे करके आया नहीं तेरे दासी अंबाला अंबा में पंजाबी कुड़िया केंदी ला 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 कुर्ता पजामा काला 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 कुर्ता पजामा काला काला काला। और फिर झाड़ू लगा दी पूरे घर में, तो मैं सोची पोछा लगाने से पहले एक काम कर देती हूँ, क्योंकि स्लेब वगैरह पर भी थोड़ा बहुत घिस घिस के मतलब साफ करती हूँ ना, तो पानी नीचे गिर जाता है तो फिर किच किच हो जाता है, तो मैं सोची पहले ये सब सिंक वगैरह साफ ही कर लेती हूँ तब सही रहेगा। और फिल्टर वाला ये जो है ना वो उसी टाइम थोड़ा नीचे लगा दिया था, इसलिए क्या होता है ना कि बर्तन धोते समय इस पर छींटे पड़ जाते हैं बर्तन के, और वो काम वाली तो थोड़ा धोती भी ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी है तो उससे ज़्यादा ही पड़, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब इसको चेंज ही कर देंगे, क्योंकि मतलब इस पर पानी का भी जो एक दो बूंद गिरता ना उसका रेड रेड जैसा ब्राउन ब्राउन नहीं होता उस टाइप का दाग पकड़ लिया है, तो वो छूटता नहीं है, मैं कितना भी घिसती हूँ वो नहीं छूटता है, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि इसको चेंज कर देंगे अच्छा नहीं लगता है, मैं बोली हाँ देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, खाने पीने वाला सामान सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है तो खाने पीने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, हालांकि साफ कर देने से एकदम साफ हो जाता है, केवल वही पानी का थोड़ा सा दाग रहता है वो कितना भी घिसती हूँ तो साफ नहीं होता, और यहाँ पर देखिए मेरा सिंक स्लेब सब साफ हो गया, तो मैं एक एक सामान को धो धो कर रख दूंगी, क्योंकि मुझे ना किचन में साफ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता लगता है, ऐसे तो मतलब पूरा घर ही साफ होना चाहिए लेकिन किचन सबसे ज़्यादा साफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम खाना बनाते हैं वही खाना खाते हैं, अगर गंदगी रहेगा तो फिर हमारे शरीर में अजीब तरह के बैक्टीरिया अलग अलग पहुंच जाएंगे और बीमार भी पड़ सकते हैं, तो इसलिए मुझे किचन ज़्यादा ही साफ, मेरा यहाँ पर किचन हो गया साफ सुथरा, अब पोछा लगाऊंगी और मैं नहाने जा रही हूँ, और पोछा का क्लिप मैं इसमें नहीं ऐड की हूँ क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।